फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीतुष दे है। ये है सिलचर के एयरपोर्ट रोड और ये रहा आपका ठालीग्राम जाने वाला रोड। इस रोड से हम खासपुर तक जाएंगे। तो खासपुर के बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है और इस जर्नी में हम आपको खासपुर का जो खूबी है, इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ हम बताने वाले हैं। फिलहाल हम आप पूछे हैं खासपुर इलाका में, जिसे ठालीग्राम गांव पंचायत कहते हैं, और उसी रास्ते से हम आए हैं यहाँ पे। और मेरे सामने ये आप देख पाएंगे, ये जो कैंपस है, गेट के अंदर जो कैंपस, पूरा कैंपस है, ये पूरा इस पैलेस का है खासपुर, जो खास करके कांसड़ी राजाओं के जो अंतिम चरण का जो राजत्व काल था, और उसी का ही ये प्लेस है। और फिलहाल मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, यहाँ पे फिलहाल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये सुरक्षित है, ये सुरक्षित इलाका है। और हम अभी अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा पोज करके, ताकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल चलिए मेरे साथ अंदर, और अंदर जाके देखते हैं। और ये रहा म्यूज़ियम, बोले म्यूज़ियम भी कह सकते हैं, और फिर जो उनका जो ऑफिस है, जिस ऑफिस से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अभी ये बंद है, जाते समय मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे अगर कुछ मिल जाए तो। फिलहाल एक प्रस्तर लिपि जो कहा जाता है, स्क्रैप चार्ट कहा जाता है, वो इसे मिला है हमें यहाँ पे। और ये शकाब्द कहते हैं, 1662 का ये शकाब्द का ये प्रस्तर लिपि है, जिसमें कुछ राजाओं के नाम, चार या पांच राजाओं के नाम, और कब बनाया गया था, तो इसका हिस्ट्री भी उससे मिलता है। और ये करीबन 73 यानी 73 ईयर्स का हिस्ट्री यहाँ पे है। और तो खासपुर कासार का जो आसाम का ये जो कैंपस है, कैपिटल कैंपस है, तो उसका जो मेन बाउंड्री था, ये बाउंड्री वॉल है। फिलहाल यहाँ पे पार्क जैसा बनाया गया है, और जो भी विजिटर आते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे घूम सकते हैं, और बहुत चार्मिंग एरिया है यहाँ पे। तो आप देखिए चारों ओर कितना शांत वातावरण है, आप आएंगे तो बड़े इत्मीनान से घूम सकते हैं यहाँ पे, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा भी नहीं। लेकिन इसका जो वातावरण है, सबसे गुजारिश ये है कि आप इसे बनाए रखें। फिलहाल मेरे सामने ये देखिए कुछ गाय बछड़ा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उनको भी देखिए कितना चैन से यहाँ पे घूम रहे हैं। ये बछड़ा देखिए कितना सुंदर मासूम सा लग रहा है। और चारों ओर आप देखेंगे ना, जो नेचुरल व्यू है, इतना ब्यूटीफुल है कि आप यहाँ पे आओगे ना, इतना मस्त हो जाएगा आपका मन। अगर आपका कोई टेंशन भी है, तो वो टेंशन भी दूर होने वाला है यहाँ पे। तो फिलहाल हम आ पहुँचे हैं, ये जो सामने जो स्ट्रक्चर है, मोनूमेंट है, इस मोनूमेंट को बारह दुआरी कहा जाता है, यानी कि इसका जो द्वार यानी कि डोर्स है, डोर्स 12 डोर्स ऐसा कहा जाता है। तो फिलहाल हम देखेंगे एक्चुअली में ये 12 द्वारी कैसा बना है। तो सामने चलते हैं, फिलहाल हम चारों ओर घूम के देखते हैं। मुझे मेरा मानना है कि अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारा जानकारी इस ब्लॉग के अंदर मिलेगा। और इस ब्लॉग के बाद मैंने यहाँ के लोकल एक वीआईपी पर्सन है, जो मेरे नज़र में वो तो बहुत वीआईपी हैं, क्योंकि उन्होंने इस विषय पर, यानी कि इस कछाड़ी राजाओं की जो ड्यूरिंग उनका रोल्स का जो समय था उनका, और उनका जो बैकग्राउंड वगैरह था, हिस्ट्री वगैरह था, उनको लेके बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे कुछ जानकारी हासिल करूं, और अलग से वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताने का कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए। ये रहा और एक मंदिर, जिसे नारायण मंदिर कहा जाता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं, बारह द्वारे अच्छी तरह घूम के देख लेते हैं, ये देखने में क्लोज से देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसका अंदर अगर कुछ दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है। तो चलिए बारह द्वारे तक चलते हैं और देखते हैं पास से उसका नज़ारा है। तो ऐसा मेरे को जितना जानकारी मिला कि
यहाँ पे जो लास्ट राजाओं थे, चार राजाओं थे इस खासपुर पैलेस में, और चार राजाओं का करीबन 73 इयर्स उन्होंने यहाँ पे रूल किया है। उसके बाद जो लास्ट राजा थे गोविंद चंद्र नारायण, मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि इसी ब्लॉग में उन राजाओं का नाम बताऊंगा, और लास्ट राजा जो थे गोविंद चंद्र नारायण, सो उनका देहांत के बाद सो तुलाराम नाम के कोई उनका कमांडर जैसे था, तो उनका ऊपर उनका बहुत बड़ा इतना हिस्ट्री है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा जानकारी बताऊंगा। फिलहाल इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा जो भी मॉन्यूमेंट्स अभी तक बचा कुचा है और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर देखभाल के लिए, रक्षण के लिए रखा गया है, सो वो सारी चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं अभी ऊपर उठ के देखने की कोशिश करूँगा कि सो ये जो स्ट्रक्चर है, मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ और मैं यहाँ से अंदर देखने झाँकने का कोशिश किया, लेकिन इतना कुछ अंदर दिखाई नहीं दिया, तो फिर भी कोशिश करेंगे अंदर झाँक के कुछ दिखाई देता है कि नहीं, ग्रिल वगैरह कुछ लगा के रखा होगा, तो देखते हैं। सो वाओ, इतने साल बाद ये करीबन दो बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है, ये चारों तरफ आप देखेंगे ना, तीन चारों तरफ, ये पीछे तरफ हमने देखा है कि तीन द्वार नीचे है, ऊपर तीन द्वार है, और द्वार जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन इसको एक्चुअली में बारद्वारी किसे किस लिए कहा जाता है पता नहीं। तो मुझे लगता है कि तब का जो जो भी मेंटेनेंस हो पाता था, जो भी मैनेज हो पाता था, उसी से ही ये बनाया गया था, और उसे उन समय का जो राजा थे उनका जैसा भी डिमांड था तो उस डिमांड के हिसाब से, और उन समय का जो कल्चर था उस कल्चर के हिसाब से इसको बनाया गया। लेकिन इसका जो बनाने का जो तरीका है, उसका जो डिजाइन वगैरह है, फिलहाल हम आपका मॉडर्न एज में भी, मॉडर्न टाइम में भी ऐसा डिजाइन आप भी देख सकते हैं। मैंने एक ब्लॉग देखा था अगरतला का जो कॉलेज है, एमबीबी कॉलेज में भी आपको कुछ कुछ डिजाइन वगैरह इससे मिल करता है। तो देखते हैं ऊपर से, आप देखिए नज़ारा कुछ ऐसा है, और मैं अभी फ़िलहाल नीचे उतरने का कोशिश करूँगा, नीचे उतरूँगा और दूसरा जो नारायण टेंपल है, नारायण टेंपल को भी दिखाऊँगा। तो फिलहाल आप ऊपर से देखिए ऐसा है चारों ओर, बहुत ही क्लीन वातावरण है अभी, और अंदर ऐसा तो ये खाली पड़ा है, देखिए अंदर कुछ नहीं है, बस इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, ऊपर सीलिंग जैसा तो नहीं है, पूरा ऊपर खाली है, लेकिन ऊपर का ऊपर में भी एक दरवाज़ा बनाया गया है, और ये बाहर का देखिए, तो अंदर इतना कुछ खास कुछ नहीं है, और इतना स्पेस भी नहीं है कि कोई यहाँ पे एक फैमिली रह सके या फिर कुछ प्रोग्राम बनाया जा सके। तो अंदर देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है, शायद उनका जो पूजा पाठ करते थे, तो वो पूजा पाठ करने का कोई भी देव देवी या कोई भी हो सकता था, तो हो सकते हैं, तो वहाँ पे रखा गया होता था। और फिलहाल हम चलते हैं नारायण मंदिर की ओर, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको फिर से मैं बता देता हूँ, आपसे एक गुजारिश है कि मेरा जितना भी वीडियो है सारे का सारे बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी ब्लॉग बनाता हूँ तो उसमें इन्फॉर्मेशन रहे, आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक हर एक वीडियो के अंत तक मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, अगर आप स्किप कर लेते हैं तो सारी जानकारी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के अंत में ये कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर आने वाला है और क्या होने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को
ज़रूर पूरा तक देखिए, अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। और ये रहा अंदर का नज़ारा, कुछ ऐसा है। तो चले, ये तो बहुत देख लिया, अभी आगे चलते हैं। बहुत सारे भी मोनूमेंट्स ऐसा है, जैसे कि मैंने इंट्रो में दिखाया था, यहाँ पे मैं एक बारहद्वारी दिखाने वाला हूँ, नारायण मंदिर दिखाने वाला हूँ, एक काली मंदिर दिखाने वाला हूँ, और जो मेन गेट है सिंह द्वार कहते हैं, वो सिंह द्वार का भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे इस ब्लॉग इसी ब्लॉग में। और एक स्नान घर तो पहले दो था, एक नदी पे नदी के साइड में बनाया गया था, जो मधुरा नदी है, मधुरा नदी या फिर टिकल नदी, दो में से एक होगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन में ये बता दूंगा। सो दो में से राजा जो स्नान करते थे उस घर, तो नदी के पार टूटकर वो नदी पे गिर गया है, और कुछ उसका अस्तित्व भी अभी नहीं मिल रहा है, वो मिट्टी के अंदर चला गया। सो ये रहा आपका सामने एक बेदी जैसा है, इसमें कुछ तुलसी का पेड़ शायद लगाया गया होगा, या फिर यह देखिए ये भी कुछ वॉल का स्ट्रक्चर है शायद इसका, और चारों और कुछ कुछ बिल्डिंग वगैरह ऐसा था जो अभी नहीं है। फिलहाल हम अभी है नारायण मंदिर पे, नारायण मंदिर आपने देखा, और इसी का पास ही एक पार्क है। फिलहाल ये पार्क सुनसान पड़ा है, अभी तो ऐसा समय भी नहीं है उस पार्क को दिखाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, और क्या है नेक्स्ट में देखने के लिए। सो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, चारों ओर वॉल है और बीच में दो गड्ढा है, उस गड्ढे में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसका जानकारी हमको नहीं है, तो इसीलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि सॉरी इसके लिए। तो आगे चलते हैं, आगे चल के ये दूसरा एक स्ट्रक्चर, ये भी मंदिर है। ये अभी है ठालीग्राम बाज़ार के पास, जो है ठालीग्राम बाज़ार के पास यही है काली मंदिर। और तो बाहर से आप काली मंदिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ठालीग्राम बाज़ार मिल जाएगा, जो हर थर्सडे को, यानी कि क्या कहते हैं गुरुवार, या फिर बांग्ला में बृहस्पतिवार कहते हैं। तो इस वीकली मार्केट यहाँ पे होता है, और ये मार्केट के पास ही है ये। लेफ्ट साइड में मेन रोड है, इस रोड से आप सालगंगा तक जा सकते हो, और दूर एक देख रहे हैं आप सिंहद्वार, वो भी हम दिखाएंगे। फिलहाल ये रहा आपका काली मंदिर, और मैं अभी अंदर जाके आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ये प्रोटेक्टेड एरिया है, और ये भी एक मोनूमेंट है। ये मोनूमेंट काली मंदिर का है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, और इंट्रो में भी आप देख लिए हैं। तो देखते हैं अभी अंदर का मंदिर का, अंदर का आंगन देखिए इतना साफ़ सुथरा है, क्योंकि अभी ये देखभाल के अंदर है, देखभाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये चारों ओर इतना क्लीन सा है। और ये रहा आपका काली मंदिर का पूरा व्यू, इतना खूबसूरत है, इतने सालों बाद भी ये इतना सुंदर है, और जब ये बनाया गया था तो सोचिए कितना सुंदर लग रहा था होगा। देखिए ये जो बना है ये कच्चा मिट्टी का कुछ मिक्सचर करके बनाया गया है, लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद भी ये कितना सख्त है और भी टिकाऊ बना हुआ है, और ये कुछ टूटा फूटा हो गया, लेकिन इसको ठीक ठाक करना चाहिए।
इसका जो डिज़ाइन वगैरह है, तब का इतना साल गुजरने का बाद भी ये इतना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप कभी आओगे, मौका मिले तो कभी ना कभी इस मोनूमेंट्स को देखने के लिए ज़रूर आ जाना। और ख़ास करके जो हमारे डिमासा ट्राइब है, काछाड़ी लोग है, और इस काछाड़ी राजा का जो वंशज है, उनको अगर ये वीडियो हाथ लग गया तो ये देखने के लिए उनका मन में ज़रूर उथावला होंगे ही और इंटरेस्टेड होंगे। उनका सवाल ये, उनका मन में ये ज़रूर आएगा कि कम से कम एक बार तो उनका पूर्वजों का बनाया हुआ जो भी मोनूमेंट्स वगैरह है, जो भी इंटरेस्टिंग प्लेस है, उसको देखने के लिए, टच करने के लिए, छोड़ कर देखने के लिए। तो ये एक मंदिर है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ आइडल्स तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसी समय का है, उसी समय का ही मंदिर है। ग्रिल वगैरह तो ये अभी का ग्रिल है, इतना पुराना नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए ये गेट बनाया गया है। और पूरा उस समय का जो आर्किटेक्चर था, देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चर था। हर एक मंदिर पे आप जाओगे तो कुछ कॉमन चीज़ ऐसा आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आपको, और ये देखिए एक पत्थर का बनाया हुआ ये एक बाघ है, शायद बाघ का शेप दिया गया है। ये पूरा एक ही पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, चलिए सामने और एक टॉम्ब है, सो देखते हैं वो क्या है, कैसा है। आपके जानकारी के लिए मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। तो ये रहा आपका गेट का अंदर जो व्यू है, देखिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत आश्चर्य कर रहा था, आजकल का आप कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे, कम से ज़्यादा 10 इंच से 12 इंच तक चौड़ा होता है वॉल वगैरह। लेकिन वहाँ पे देखोगे ना, हिस्टोरिकल जितना भी मोनूमेंट आज तक मैंने देखा है, सारे का सारा 20 इंच तो मिनिमम 20 इंच होता है, और उससे भी ज़्यादा भी होता है। यह स्ट्रक्चर अंदर तो इतना प्लेस नहीं है, और दो साइड में, जैसे कि मैंने अंदर गया था, दो साइड में आपको दो क्या कहते हैं गुफा जैसा दो रूम, छोटा छोटा दो रूम है। तो ये रहा आपका सिंहद्वार, और मैं चला अभी आगे जहाँ पे हम देखेंगे। फ्रेंड ये रहा रानी माता की स्नान मंदिर, और ये देखिए अभी ये एक तरफ टिल्ट हो गया है, और इसी पास से पहले नदी गुजरती थी, लेकिन अभी यहाँ पे तो नदी नहीं है, यहाँ पे खेत वगैरह हो गया है। नदी और भी आपका सामने की ओर चली गई है, उसको टाँड लेके दूसरी ओर चली गई है। तो ये रहा
रानी के स्नान मंदिर, यहाँ पे रानिया या फिर रानी माता है, राज रानिया यहाँ पे आती थी और यहाँ पे स्नान करती थी। सो ये देख लीजिए, तो इसका भी संरक्षण बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो देखिए ये टिल्ट होते होते कहीं एक दिन गिर ना जाए, तो इसका भी देखभाल सही से होना चाहिए। तो आप लोग ढेर सारे चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चले और सभी के सहयोग से ही ये संरक्षण हो पाएगा। तो धन्यवाद, चलते हैं अगली ओर।